नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना में मिला मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मरीज, बीमार के घर पहुंची डॉक्टरों की टीम, अलर्ट पर विभाग। बिहार के दागी एमपी एमएलए की बढ़ेंगी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा लंबित मुकदमों पर हलफनामा। बिहार के विश्वविद्यालयों में बदलेगी कार्य संस्कृति, शिक्षा मंत्री बोले साल भर के अंदर नियमित होगा सत्र। बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बढ़ी 1560 सीटें। बिहार के वायु प्रदूषण में अब होगी कमी, बिहार के बड़े शहरों में चलेंगी सीएनजी बसें। बिहार के सभी प्रखंडों में हो रही है आईटीआई खोलने की तैयारी, हाई स्कूलों में भी होगी आईटीआई की पढ़ाई। बिहार के सरकारी कॉलेजों में भरे जाएंगे प्राचार्यों के खाली पद, शिक्षा विभाग ने बनाई नियुक्ति नियमावली। बिहार में भी मंकी पॉक्स संक्रमण ने दस्तक दे दिया है। पटना में इस संक्रमण से पीड़ित एक संदिग्ध महिला मरीज की पहचान हुई है। पीड़ित महिला पटना सिटी के गुरहट्टा इलाके की रहने वाली है। मंकी पॉक्स के इस पहले संदिग्ध मामले के मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि विभाग इसे अब तक संदिग्ध मान रहा है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि महिला में मंकी पॉक्स के सभी लक्षण मिले हैं। वैसे पीएमसीएच की टीम सैंपल इकट्ठा करने के लिए गुरहट्टा स्थित महिला के आवास पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 4 मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में 1 और केरल में 3 मंकी पॉक्स के मरीज मिले हैं। देश के साथ मंकी पॉक्स को लेकर बिहार में भी अलर्ट है। केंद्र सरकार से मिली गाइडलाइन को सभी चिकित्सा प्रभारियों को भेजा जा चुका है। गाइडलाइन के मुताबिक सभी चिकित्सक आशा और एएनएम को मंकी पॉक्स के लक्षणों के बारे में ठीक से बताने का निर्देश दिया गया है। एएनएम या आशा को किसी भी मरीज में यह लक्षण मिले तो वो तुरंत इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे। मंकी पॉक्स के बारे में बताया जाता है कि यह एक ऐसा वायरस है जो मवेशियों से मनुष्य में फैलता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। त्वचा, आंख, नाक या मुंह के माध्यम से यह वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। बिहार के दागी सांसद और विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। उन पर दाखिल वर्षों से लंबित मामले की सुनवाई त्वरित गति से हो सकती है। इस संदर्भ में पटना हाईकोर्ट ने राज्य से हलफनामा मांगा है। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व एवं वर्तमान सांसदों विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों के निष्पादन के लिए गृह विभाग के प्रधान सचिव को 3 सप्ताह में हलफनामा देने को कहा है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष वर्तमान और पूर्व एमपी व एमएलए के विरुद्ध आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सुनवाई की गई। अदालत ने माना कि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा होना चाहिए और दोषियों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। माना जा रहा है कि अगर इन मामलों की त्वरित सुनवाई होगी तो कई सांसद और विधायक मामले से बरी हो जाएंगे, जबकि कई माननीय के दोषी होने और सजा मिलने की सूरत में विधायकी भी जा सकती है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वर्तमान और पूर्व एमपी व एमएलए के विरुद्ध आपराधिक मामलों से संबंधित पूरी जानकारी सरकार से मांगी है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए राज्य के डीजीपी को अभियोजन के डायरेक्टर के साथ अविलंब बैठक करके गवाही के लिए लंबित मुकदमों में जल्द गवाह पेश करने को कहा था। इससे पहले भी राज्य सरकार द्वारा दायर विस्तृत हलफनामे में इनके विरुद्ध लंबित मुकदमों के संबंध में चार्ज फ्रेमिंग, गवाही व बहस की स्थिति के संबंध में जानकारी दी गई थी। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में कार्य संस्कृति बदलेगी, लेट सेशन से खफा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि छात्रों का गुस्सा जायज है, सत्र को किसी भी हाल में नियमित करना होगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पिछले दिनों हमने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक व अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। यूनिवर्सिटी में सेशन लेट की समस्या को बैठक में रखा गया। बैठक में छात्रों के पक्ष में यह आश्वासन दिया गया कि सेशन को नियमित करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में इसे नियमित कर भी लिया जाएगा। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से सेशन लेट हुआ है, जिसे आने वाले समय में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नियमित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो सरकार हर संभव मदद करेगी, लेकिन हर हाल में 6 माह से साल भर के बीच सत्र को नियमित करना होगा। बिहार के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 27 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए कोर्स की अनुमति दी है। बिहार राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1560 सीटें बढ़ गई हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 480 सीटों की वृद्धि हुई है। बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही इन सीटों पर विद्यार्थियों का एडमिशन होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस बात की जानकारी दी है कि ज्यादातर नए कोर्स में 60-60 तो कुछ कोर्स में 30 विद्यार्थियों का
नामांकन हो सकेगा। नए कोर्स की अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश क्षमता 10,865 हो गई है। इसके अलावा 5% सीटों पर ऐसे विद्यार्थियों का नामांकन होगा जिनके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख से कम है। ऐसे में सीटें 11,408 हो जाएंगी। इसी प्रकार पॉलिटेक्निक कॉलेजों की सीटें 12,081 हो गई है। 5% सीटें मिलाकर यह संख्या 12,685 हो गई है। बता दें कि विभाग ने यह कहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों की 591 एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों की 390 सीटों की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कटौती कर दी थी। बिहार में अब वायु प्रदूषण में पहले के मुताबिक कमी देखी जाएगी। पटना में ही नहीं बल्कि अब बिहार के सभी बड़े शहरों में भी जल्द ही CNG बसें चलाई जाएंगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में प्रमंडलीय मुख्यालय और जिला मुख्यालय वाले शहरों को जोड़ा जाएगा, लेकिन पहले उन शहरों में काम किए जाएंगे जहां CNG स्टेशन है। मांग के अनुसार CNG की संख्या बढ़ाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग ने पटना के बाहर अन्य जिलों में भी नए CNG स्टेशन खोलने और पाइपलाइन विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर पिछले दिनों CNG की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विभागीय बैठक की गई, जिसमें CNG स्टेशनों की स्थिति, नए CNG स्टेशन की स्थापना और पाइपलाइन के विस्तार की चर्चा की गई। परिवहन विभाग की योजना राज्य के सभी बड़े शहरों में CNG बसें चलाने की है, ताकि लोगों को बसों और अन्य CNG वाहनों में गैस भराने के लिए किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। बिहार के हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नीतीश सरकार खुशखबरी लेकर आई है। अब राज्य के हाई स्कूलों में भी ITI की पढ़ाई होगी। खासकर वैसे प्रखंड जहां ITI कॉलेज नहीं है, उन जगहों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी और यहां कम से कम एक ट्रेड की पढ़ाई ITI से संबंधित होगी। राज्य में फिलहाल ऐसे 210 प्रखंड हैं जहां एक भी सरकारी या गैर सरकारी ITI नहीं है। अभी कितने प्रखंडों में एक भी ITI या MSTI के तहत प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट बनाकर विभाग को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। बिहार के सरकारी कॉलेजों में प्राचार्यों के खाली चल रहे करीब 164 स्थायी पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली करीब करीब तैयार की जा चुकी है। शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने अपनी सहमति दी है। हालांकि नियमावली के प्रावधान अभी बाहर नहीं आए हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग कॉलेजों की शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रबंधन को दुरुस्त करने प्राचार्यों की भर्ती के लिए एक कदम आगे बढ़ गया है। शिक्षा विभाग नियमावली को मंजूरी के लिए अब राजभवन भेजेगा। यहां कुलपतियों की एक समिति गठित की जाएगी। उसकी अनुशंसा पर कुलाधिपति इस नियमावली को हरी झंडी देंगे। उच्च शिक्षा की नियुक्ति संबंधी वर्तमान परिनियम में प्राचार्य की नियुक्ति के लिए प्रावधान नहीं है। अभी केवल सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियों का प्रावधान है। फिलहाल शिक्षा विभाग प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए अपनी तरफ से औपचारिक कवायद शुरू कर चुका है। विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि रिक्तियों की जानकारी जल्दी से जल्दी साझा करें। 260 डिग्री कॉलेजों में से 164 कॉलेजों में अभी कोई स्थायी प्राचार्य नहीं है। ये सभी कॉलेज प्रभारी प्राचार्यों के हवाले है। अंतिम रूप से रिक्तियां आ जाने के बाद नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। दरअसल विभाग विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए इस तरह की नियुक्ति कराने का निर्णय पहले ही ले चुका है। विभाग ने अभी तक औपचारिक तौर पर स्थायी प्राचार्यों के रिक्त पदों की जानकारी साझा नहीं की है। बिहार में कमजोर पड़े मानसून में तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। IMD ने इस अवधि में प्रदेश के लगभग हर जिले में मूसलाधार व कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना समेत राज्य भर में हवा के तेज प्रवाह के चलते बादल ज्यादा देर एक जगह पर नहीं ठहर पा रहे हैं। इस वजह से मानसून भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि शनिवार को पटना समेत सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल व शेखपुरा व अन्य जिलों में बारिश हुई थी। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 23 और नए विषय जोड़े जाएंगे। यह वह विषय होंगे जिनसे संबंधित कोर्सों की पढ़ाई के लिए विद्यार्थी लोन ले सकेंगे। अभी तक इस योजना के तहत करीब 42 तरह के कोर्स की पढ़ाई के लिए लोन लिए जाते हैं। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार इस प्रस्ताव को बहुत जल्दी ही मंजूरी देने वाली है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लोन के लिए 23 और विषय जुड़ जाने के बाद उच्च शिक्षा से संबंधित शायद ही कोई ऐसा कोर्स होगा जो इसके दायरे में न आ जाए। दरअसल
इस योजना के जरिए शिक्षा विभाग न केवल पेशेवर कोर्स करने के लिए नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने जा रहा है, बल्कि इससे राज्य के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में भी उसे मदद मिलेगी। पिछले हफ्ते इस योजना से जुड़े जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इसमें उन लोगों से स्कीम को लागू करने में आ रही बाधाओं को जाना गया। अब उनके समाधान के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। पटना में निवेदा समेत अन्य अस्पतालों के ब्लड बैंकों से मिलने वाला खून जान बचाने की जगह जिंदगी भी ले सकता है। यहां खून के काले कारोबार से लाखों का खेल हो रहा है। पुलिस और औषधि विभाग की ओर से इस खून के काले कारोबार का पोल खुलने के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। जेल जाने से पहले दोनों आरोपित अजय कुमार और संतोष कुमार ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दोनों आरोपित नशेड़ियों को 500 रुपये देकर एक यूनिट के बदले 2 यूनिट ब्लड निकालते थे। इसके बदले वे प्राइवेट अस्पताल या जरूरतमंद लोगों से एक यूनिट के 5 से 7 हजार रुपये की वसूली करते थे। एक महीने के अंदर दोनों आरोपितों ने 156 मरीजों को एक्सपायरी खून भी चढ़वा दिया। इसके साथ ही ट्रेन और बस से भी लाते थे खून, कोल्ड चेन का नहीं रखते थे ख्याल। जांच में पता चला कि दोनों आरोपित जिले के ग्रामीण इलाकों में भी खून निकालने के लिए नशेड़ियों के पास जाते थे। में राजीव नगर के नेपाली नगर में बिहार राज्य आवास बोर्ड ने 48 साल बाद पहली बार अपनी जमीन पर अवैध कब्जे से लोगों को सावधान रहने की अपील करते हुए राजीव नगर इलाके में जगह जगह पर लोहे का बोर्ड लगा दिया है। लगाए गए बोर्डों में लोगों को भूमाफिया और दलालों से सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। बता दें कि हाल ही में आवास बोर्ड की शिकायत पर राजीव नगर थाने में कई गृह निर्माण समितियों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद जाँच की गयी तो पता चला कि इनमें से 4 गृह निर्माण समितियां ऐसी है जो कि कागजी तौर पर सक्रिय नहीं है और न ही इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर का चुनाव हुआ है। इन समितियों की स्थापना 1970 के दशक में की गई थी, परंतु अभी तक इन समितियों की कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है।